आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है, पेट आपका जो बाहर को निकला हुआ है, जो तोंद है वो बहुत ज़्यादा निकली हुई है, तो आज मैं आपके साथ ऐसी एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ जिनके पे पास टाइम नहीं होता है, वो बेड पे बैठे बैठे रात को सोने से पहले इन एक्सरसाइज को करेंगे ना, तो हफ्ते भर में ही रिजल्ट आपके सामने होगा। आपकी जो लटकी हुई तोंद है वो अंदर ही होगी, लेकिन हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इतनी अच्छी और इतनी ईजी एक्सरसाइज हैं कि जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको ये खाना खाने से 2 घंटे के बाद ये एक्सरसाइज आपको करनी है, मतलब आपका जो डिनर है वो 6 से 7 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। उसके 2 घंटे के बाद जब भी आप सोते हैं, सोने से पहले आपको ये एक्सरसाइज करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं। हेलो जी, जय श्री राधे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेली फैट की एक्सरसाइज, जिनका बहुत ज़्यादा पेट जो है वो लटका होता है, तोंद उनकी लटकी होती है, चाहे वो जेंट्स हों, लेडीज़ हों या किसी भी उम्र के हों, उनके लिए ये जो मैं एक्सरसाइज बताने वाली हूँ बेली फैट की, ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। 3 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगी जो कि आपको रात को सोने से पहले करनी है, और वो भी बेड के ऊपर। आपको बस इतना करना है कि आपको डेली ये 1 हफ्ता तो आपको रेगुलर करनी है। आपको 1 हफ्ते के बाद ही फ़र्क महसूस होने लगेगा कि आपका जो बेली फैट है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगा है। तो जिनके पास भी टाइम नहीं होता है, दिन में नहीं होता है, ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कि मतलब नहीं होता है टाइम, तो वो इस एक्सरसाइज को रात को कर सकते हैं सोने से पहले। तो चलिए शुरू करती हूँ, और शुरू करने से पहले बता दूँ कि मेरा नाम है मोनिका और हिमाचली मोनिका ब्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी जो टांगे हैं ऐसे होल्ड कर लेनी है, बिल्कुल इस तरीके से मिला लेनी है आपको, और जो अपने हाथ हैं उनको आपने ऐसे रख देने हैं। अब आपको क्या करना है कि एक टांग को ऐसे, फिर दूसरी टांग को ऐसे, तो मतलब आपको 50 बार ये करना है। इस तरीके से आपको मिलाना है, और 25 बार इस तरीके से, और 25 बार इस तरीके से, मतलब 50 बार ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको जो है ये 50 बार करने हैं, 25 बार इस टांग का और 25 बार दूसरी टांग का। तो इस तरह से आपको ये करना है। इसका एक सेट हो गया। दूसरा सेट आपको करना है जो दूसरी इस तरीके से आपकी टांगे, हाथ आपके ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपको 50 बार करना है, ठीक है जी। ये दूसरी एक्सरसाइज। और जिस तरीके से आप इस तरीके दोनों टांगों को 50 बार ऐसे अप और आगे और पीछे करेंगे ना, तो इस तरीके से आपको लगेगा कि जब आपकी सांस फूल रही है, अभी तो आपको आसान लगेगा, लेकिन जब आप करोगे तो आपकी सांस फूलने लगेगी और आपको पसीना भी आना शुरू होगा। इसका मतलब है कि आपका हार्ट रेट जो है वो अप हो रहा है, और जो आपकी बॉडी है वो कैलरी खींच रही है, इसमें आपकी एनर्जी लग रही है। तो इस तरीके से अगर आपने इसको 1 हफ्ते भी कर लिया ना, तो आपका जो बेली फैट है वो बिल्कुल अंदर हो जाएगा। इसको आपने बड़े आराम से बेड पे लेट के करना, बैठ के करना है सोने से पहले। बस आपको ये नियम लेना है, सोने से पहले आपको ये करना ही करना है। अब चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज के लिए। इस तरीके से आपको बैठना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से आपको ये 50 बार करना है। तो इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो हफ्ते भर में आप देखेंगे कि आपका जो बेली फैट है वो बहुत ज़्यादा अंदर हो गया है, मतलब आपकी जो तोंद है ना, जो लटकी हुई है, वो बिल्कुल अंदर हो जाएगी। हफ्ते भर में भी आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और अगर आपने 1 महीना इसको रेगुलर कर लिया ना, तो आपका जो पेट है वो गायब इस तरीके से होगा कि आप सोचेंगे कि ये तो यार बड़ा अच्छा नुस्खा है, बहुत ही सिंपल सा ये अच्छा सा आइडिया आपने दिया है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको करना है। ये एक्सरसाइज मैं उनके लिए बता रही हूँ, अगर चाहे वो लड़का है, लड़की है, किसी भी उम्र के हों, वो हर कोई इस एक्सरसाइज को कर सकता है। टीवी देखते देखते कर सकते हैं, जैसे सामने टीवी लगा है और आप अपनी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए, टीवी देखते रहिए आप और एक्सरसाइज आप करते रहिए। ये दूसरी इस तरीके से, हाथ ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, और तीसरी वाली 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको ये तीनों एक्सरसाइज करनी है, और डेली करनी है, और हफ्ता भर देखना आप। और 1 महीने के बाद तो भाई आपका जो पेट है वो तो गायब हो जाएगा।
तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही एक यूज़फुल वीडियो के साथ। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना, ठीक है जी। मैं मिलूंगी फिर दोबारा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।